यूपी का दुबई नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसको गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर में घूमने के लायक ही नहीं बल्कि देखने के भी लायक एक कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको वर्ल्ड में अगर गिना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको गोरखपुर से रिलेटेड आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं, बस आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए। बाबा गोरखनाथ की यह धरती अपने अंदर बहुत सारे राज को छुपाए हुए है। अगर सबसे बड़ी हस्ती के रूप में यहां पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी शहर से आते हैं और ये वही मंदिर है जहां पर योगी आदित्यनाथ जी संन्यास लिए थे। बाबा गोरखनाथ के मंदिर में ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप देखने जाएंगे तो वहां से हटने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन इस जिले में गोरखनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी अन्य भी चीजें हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही सारी चीजें दिखाने वाले हैं और उनके बारे में बताने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो अगर जिनका दर्जा अगर स्वर्ग के समान भी माना जाए तो कम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामगढ़ ताल, ये एक ऐसा ताल है जिसको देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी देखने आते हैं। रामगढ़ ताल जिसको नौका विहार के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर लगा हुआ ये तिरंगा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा है। यहाँ पर इस तिरंगे की लंबाई टोटल 75 मीटर बताई जाती है और अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचे फहराने वाले झंडे में बात करें तो रामगढ़ में ताल में मौजूद यह फहराता हुआ तिरंगा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि 2017 के बाद इस ताल को पूरी तरीके से स्वच्छ बनाया गया, वरना यहाँ पर केवल और केवल गंदगी रहती थी। लेकिन आज के समय यह ताल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नंबर दो पर आता है गोरखपुर का चिड़ियाघर। हालांकि इस चिड़ियाघर का नाम शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ पर चिड़ियाघर से लेकर बहुत चीजें पहले भी थी, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली उसके बाद यहाँ के जितने भी सारे पर्यटक स्थल थे सभी को ऐसी उजागर बनाया गया कि आज के समय में इस चिड़ियाघर को देखने के लिए, इस गोरखपुर में मौजूद सभी पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम से मौजूद यह चिड़ियाघर रामगढ़ ताल से करीब 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अगर देवरिया बाईपास से जाएंगे तो वहां से केवल और केवल 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहीद अशफाक उल्ला खान में बहुत से चिड़ियाघर के अंदर बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए आप अगर कभी भी गोरखपुर जाते हैं तो इस चिड़ियाघर का जरूर दीदार करना। अगले नंबर पर आता है गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर। गोरखपुर जिला जो कि बहुत ही विख्यात जिला है, लेकिन इस जिले की सच्चाई ये है कि बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही इस जिले का नाम गोरखपुर रखा गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी मंदिर में रहा करते थे और ये वही मंदिर है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संन्यास लिया था। अपना संत का जीवन पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मंदिर पर बिताया है और ये मंदिर आज के समय में लोगों के पर्यटकों का केंद्र है। अगर आप गोरखनाथ मंदिर में आते हैं तो जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 400 से 500 लोगों की ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी जो यहाँ पर पहले के समय में संत थे। बाबा गोरखनाथ से लेकर जितने भी संतों ने यहाँ पर संन्यास लिया है सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। गोरखनाथ बाबा का यह मंदिर गोरखपुर जिले का सबसे बड़ा प्रमुख धार्मिक स्थल है। हालांकि अगर सही दृष्टि से बात की जाए तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली है तब से गोरखपुर का बहुत विकास हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।